दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नियम लाया गया है। इस नियम के तहत अगर आप पोर्न देखते हो तो आपको पुलिस उठा भी सकती है और जेल में भी डाल सकती है। मैं आप लोग को इस वीडियो में इस नियम के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी, भारत में महिलाएं पूरे तरीके से अभी भी सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार नए नए कानून लेकर आती रहती है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर इस कानून को भी लाया गया है। इस कानून के तहत अगर आप लोग पोर्न देखते हो तो दोस्तों योगी सरकार आपको उठा सकती है और जेल में भी डाल सकती है। वो कैसे डाल सकती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपके एरिया में कोई रेप हो जाता है और आप पोर्न देखते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को उठाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग को जानकारी होगी, पहले भी बहुत सारे ऐसे नियम है जो कि इंटरनेट पर सर्च करना इलीगल माने जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ये सर्च करते हो किसी का मर्डर कैसे करें, बारूद कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से गन बनाई जाती है, और अगर आपके एरिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है या फिर कोई मर्डर हो जाता है, तो इंटरनेट की दुनिया से आपको खंगाला जाता है, आपका पता लगाया जाता है कि किसने ये सर्च किया था, उसके बाद आपको उठा लिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों योगी सरकार ने भी एक नया नियम बनाया है कि अगर आप पोर्न देखते हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भेजी जाएगी, उसके बाद अगर आपके एरिया में कोई भी रेप होता है तो आपको योगी सरकार उठा सकती है, पुलिस उठा सकती है, आपसे पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों योगी सरकार ये कैसे कह सकती है कि जो पोर्न देखता है वही रेपिस्ट है, उसी ने रेप किया है? दोस्तों, मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी ऐसे देश हैं जिनमें पोर्न को बैन नहीं किया गया या फिर कोई भी देख सकता है, कोई भी वेबसाइट बैन नहीं की गई है, वहां पर दोस्तों जो रेप की संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों जिन देशों में पोर्न को बैन किया गया है, बहुत सारी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है, उनमें जो रेप की संख्या है वो बढ़ गई है। और दोस्तों मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, जो पोर्न है जो देखी जाती है उनमें 30% महिलाएं। तो योगी सरकार या फिर कोई भी कैसे कह सकता है इस नियम के तहत कि जो रेपिस्ट हैं वो पोर्न देखने का बनते हैं या फिर जो पोर्न देखता है वो रेपिस्ट होता है? यदि पूरी जानकारी इस नियम के बारे में, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बता देना, ये जो नियम है सही या फिर गलत है, आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी इस नियम के बारे में पता चले और सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप तक इस नियम को पहुंच जाना चाहिए, इस वीडियो को पहुंच जाना चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को देना बिल्कुल भी मत भूलना।